आवाज़ डिवोशनल लाइब्रेरी से सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए। नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे गायत्री महामंत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गायत्री मंत्र को महामंत्र की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसको एक चमत्कारिक मंत्र माना गया है। गायत्री मंत्र हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है, जो कि ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 62 और मंत्र संख्या 10 में है। वहाँ मंत्र कुछ इस प्रकार से है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र मिलता है वह पूर्ण नहीं है, उसका कुछ अंश है, लेकिन जो आज हमारे हिंदू समाज में प्रचलित गायत्री मंत्र है वह हमें यजुर्वेद में प्राप्त होता है। यजुर्वेद के अध्याय 36 मंत्र संख्या 3 में मंत्र इस प्रकार है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यानी आपने ध्यान दिया ही होगा कि इस मंत्र में प्रारंभ में ओम नहीं है। यानी यजुर्वेद में जो मंत्र हमें प्राप्त होता है उसमें ओम नहीं है। ये अब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप गायत्री मंत्र को ओम के साथ उच्चारण करते हैं अथवा उसके बिना। मित्रों, अब आते हैं हम गायत्री मंत्र के अर्थ पर। सर्वप्रथम एक बार पूरा मंत्र जान लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, सर्वप्रथम इसका शाब्दिक अर्थ हम जानेंगे। ओम यानी परब्रह्म और परमात्मा, भू भूलोक भूमंडल अर्थात हमारी पृथ्वी, भुवः अंतरिक्ष लोक, स्वः स्वर्गलोक, तह परमात्मा अथवा ब्रह्म, सवितु ईश्वर सृष्टिकर्ता अथवा सूर्यदेव, वरेण्यम पूजनीय अथवा धारण करने योग्य, भर्गः अज्ञान तथा पाप निवारक, देवस्य ज्ञान स्वरूप भगवान का, धीमहि हम ध्यान करते हैं, धियो बुद्धि तथा प्रज्ञा, यो जो नह हमें, प्रचोदयात प्रकाशित करें। इस प्रकार गायत्री मंत्र का संपूर्ण अर्थ ये बनता है, हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य के पथ पर अग्रसर करें अथवा हमें सत्य के पथ पर ले जाएं।